मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. आई एम कनीज फातिमा, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची स्कूल ऑफ लॉ. एंड आई एम एडीआर चेंज मेकर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. एंड टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पाकिस्तान में अगर बात की जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की, तो पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इतना अभी तक डेवलप हुआ नहीं है. अगर हम देखें बाहर ममालिक में देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पे बहुत ज़्यादा केसेस भी हो गए हैं और उनके यहाँ लॉज भी बन चुके हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो चुकी है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन अब जो है वो खुशकिस्मती से किया जा रहा है. पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में थोड़ा सा थोड़ी सी की पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है, हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है कंज्यूमर के पीछे इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान की लेवल पे, और कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के कौन कौन से अभी तक कानून बने हैं, पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के कौन से कानून बने हैं, और अगर कोई भी कंज्यूमर उसका अगर उसे अगर कोई डिफेक्ट मिलता है कोई डिफेक्ट होता है उसे या कोई नुकसान होता है प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से, तो वो अपनी फाइल किस तरह से जो है वो कंप्लेन जो है वो फाइल करवा सकता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, और रेमेडीज क्या दे सकती हैं कोर्ट्स हमारी किसी भी एक कंज्यूमर को अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं. अब ये जो पूरा कंज्यूमर की राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कौन सी अथॉरिटीज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर है, कंज्यूमर कोर्ट है, ये किस तरह से काम करती हैं, और पाकिस्तान और थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस्लाम ने कंज्यूमर की राइट्स के लिए क्या कहा है, क्या इस्लाम ने भी फोकस किया है कंज्यूमर राइट को, और फिर लास्ट में हम देखेंगे केस लॉस एक दो जो के पाकिस्तान में हुए. सबसे पहले अगर बात की जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइव होता है कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप अगर कोई बर्गर खा लें, कुछ कोई फ्राइज, कोई आप फ्राइज खा लें, या स्टूडेंट है तो कैंटीन वगैरह में अगर आप खा लें, अगर घर में है तो आपने कोई चीज़ खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल आपने जूस खरीद लिया या कुछ और खरीद लिया, आपने खाया उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइव होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को स्टडी करने के लिए. तो अगर आपने कुछ खाया है उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हुई है या कोई और नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन ये बताएं. अब देखते हैं कि अगर किसी बंदे को कोई नुकसान होता है, कोई डिफेक्ट होता है किसी सर्विस या कोई गुड्स या कोई जूस या कोई बर्गर खाने की वजह से, तो क्या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं. सबसे पहले ये कहा जाता है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो पहली दफा दुनिया में कहा जाता है कि यूके के किंग ने एस्टेब्लिश की थी पहली दफा, जिसको कहा जाता था एक्सचेकर कोर्ट. तो जब ये बेसिकली ये कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं थी, इसका पहले नाम था एक्सचेकर कोर्ट. ये तभी बनी थी कि चूंकि आपको पता है पहले जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था, तो जब बार्टर सिस्टम में अगर कोई ब्रीच आ जाए, किसी एक पार्टी को कोई नुकसान हो ब्रीच होने की वजह से, तो उसको किस तरह से निपटा जाए, उस इश्यू को किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो ये कोर्ट बनी थी. ये बेसिकली पार्टीज के इंटेंशन को जो है वो कोर्ट देखती थी, और अगर ब्रीच होने की वजह से किसी को कोई नुकसान होता है तो उसको देखती थी. ठीक है, बाद में इसी कोर्ट ने प्रिंसिपल बनाया था कि जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे और गुड्स जो प्रोडक्ट्स वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोवाइड करे. ठीक है, बाद में जाकर इसी प्रिंसिपल की वजह से कंज्यूमर कोर्ट्स बनी. एक और फिनोमेना जो कहा जाता है कि यूएसए में कंज्यूमर राइट्स की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1960 में, जो कि बाद में एक बड़ी मूवमेंट बड़ी जो है वो बड़ा उसका असर हुआ था पूरी यूएसए में, यूएसए से दूसरी दुनिया के ममालिक में गई. और ये कहा जाता है कि 1962 में जो यूएसए का प्रेजिडेंट था जॉन एफ केनेडी, उसने भी बात की थी कि कंज्यूमर राइट्स की को प्रोटेक्ट किया जाए. तो उसके बाद जब ये 1962 में प्रेसिडेंट ने बात की थी यूएसए के, तो फिर यूएन में भी एक हलचल सी मच गई थी कि कंज्यूमर राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है. तो हम देखते हैं कि 1985 में फर्स्ट टाइम
यूएन ने जनरल गाइडलाइन दी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। अभी जनरल गाइडलाइन किस तरह से है, क्या है, इसलिए भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, अब कंज्यूमर राइट होता कौन है? अब अगर मैं सिंध की बात करूं तो हर सूबे का एक अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है, केपीके का, जो कि मैं आगे जाकर आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी। अभी कंज्यूमर वर्ड जो इसकी डेफिनेशन भी सारे एक्ट में डिफाइंड है। अब हाँ, अगर हम सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2014 में है उसकी बात करें तो उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में लिखा है कि कंज्यूमर कौन होता है। तो उस ये जो सेक्शन 2 है वो कहता है कि कंज्यूमर कोई भी पर्सन या कोई एंटिटी हो सकती है जो कि कोई भी प्रोडक्ट लेता है या लीज पे लेता है। अच्छा, जो वो बाय करता है या लीज करता है प्रोडक्ट, वो किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट लेता है। अब इसमें एक और चीज भी है कि अगर कोई प्रोडक्ट कोई भी बंदा खरीदता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ना हो। कंज्यूमर जो भी चीज खरीदे वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदे, कमर्शियल पर्पस के लिए ना खरीदे। एक बात तो ये हो गई कि प्रोडक्ट का हो गया। दूसरी बात, अगर कोई भी बंदा कोई सर्विस हायर करता है, वो सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन है, ठीक है। वो सर्विस ये भी हो सकती है कि आप अगर कोई सर्विस आपने खरीदी है जिस सर्विस से आपको कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते, मुझे पिक्चर्स भी लगा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का। आप देखें, ये एक खातून फ्रूट खरीद रही है, ये प्रोडक्ट खरीद रही है, ठीक है, ये फ्रूट्स खरीद रही है, तो ये कंज्यूमर है। अब आपने ये नीचे देखा होगा एक बंदा की अपनी गाड़ी की जो है वो दिखा रहा है, तो ये अगर कोई बंदा कोई राइड अपनी हायर करता है, अपनी किसी बंदे ने किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, अपनी अपनी जो है वो राइड अगर बुक करवा रहा है, तो ये भी बेसिकली सर्विस को जो है वो हायर करवा रहा है, और ये भी कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम अब इंटरनेशनल की अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर थोड़ा सा देख लें, अब इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यूएसए में, यूके और यूएसए में स्टार्ट हुई थी उनकी मूवमेंट। बाद में जाके यूनाइटेड नेशन में भी ये हुआ कि हमें जो है वो जनरल गाइडलाइन दी जाए, देनी चाहिए। ये 1985 में बेसिकली 8 राइट्स यूनाइटेड नेशन ने दिए थे सारी कंट्रीज को कि इन पे जो है वो आप फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि जनरल गाइडलाइन है, ठीक है। ये अब इसमें 8 राइट्स थे। पहला राइट था राइट ऑफ एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल गाइडलाइन ने ये एक राइट दिया था कंज्यूमर को कि हर स्टेट अपने कंज्यूमर को ये राइट दे कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, ताकि कंज्यूमर्स को पता चले कि आपके कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। बेसिक इतना इसको इल्म हो कि आप जो यूज कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म, अब राइट टू इन्फॉर्म में थोड़ी सी डिफरेंस है, वो एजुकेशन की बात अलग है, इन्फॉर्मेशन में अलग है। इसमें इन्फॉर्मेशन में आप जो आपके पास एक कंज्यूमर के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि आपके आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी उस पर डिस्क्रिप्शन, आप क्या यूज कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन हो उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, और ये किस चीज के लिए यूज हो रही है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आगे जाकर मैं आपको वो थोड़ी सी बता दूंगी, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन, अब ये भी आप एक कंज्यूमर का राइट है कि जो गुड्स या सर्विसेज वो यूज कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, उससे इसको उसकी प्रोटेक्शन भी मिले, ठीक है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज कोई ना बनाए जिससे उसकी प्रोटेक्शन ना हो, उसको नुकसान पहुंचे। अब राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, अब एक कंज्यूमर के पास ये भी राइट है कि वो अपना उसके उसके पास जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ हो। इस एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज जो काम करती हैं, उनको फैक्ट्रीज को जो काम करना है उनको काम इस तरह से करना है कि आपने जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं इस तरह से बनाने हैं जैसे एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा तो जो एनवायरनमेंट में रहने वाले कंज्यूमर्स हैं उनके राइट का उनका राइट जो है वो वायलेट होगा। अब आया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आता है कि जो कंज्यूमर है उसके पास आजादी हो कि वो अपनी चॉइस से जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज खरीदना चाहे वो खरीदे, उसके कोई जबरदस्ती ना। राइट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, यूएन जनरल गाइडलाइन ने कंज्यूमर को ये भी राइट दे दिया और एक स्टेट को ओबलाइज कर दिया कि आपने एक आम कंज्यूमर को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी है। अब बेसिक नेसेसिटीज में आता है आपके पास फूड है, शेल्टर है,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिक आपके पास जो है वो जिस तरह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो आपने बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट ने एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, फूड शेल्टर वगैरह। उसके अलावा अगर हम देखें कि राइट टू राइट ऑफ रेमेडी एंड राइट ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, अगर हम दोनों को एक ही साथ देखें, अब अगर एक कंज्यूमर को अगर कोई नुकसान हो रहा है, फॉर सपोज किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो कंज्यूमर का ये हक है कि उसे 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 अपनी रेमेडी दी जाए। ये नहीं है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने किसी कंज्यूमर को कोई लॉस दिया है, कोई डिफेक्ट दिया है, तो उसको उसकी रेमेडी ना हो। अब रेमेडी कौन कौन सी होती है आगे जाकर मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। और ये कंज्यूमर का ये भी राइट है कि अगर कोई प्रोडक्ट उसको डिफेक्ट किया है तो उसको रिपेयर करके दिया जाए या उसको रिप्लेस करके दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कन्वेंशंस आ गई हैं, अब तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर के लिए काम किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर के लिए अगर हम देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में फिर दो चीजें आती हैं, एक आता है सब्सटेंटिव और दूसरा आता है प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव अगर की हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ स्टेट्स को और कंज्यूमर्स के लिए बताता है कि कौन सी चीजें और कौन से राइट्स और ड्यूटीज आपने करनी है, ठीक है। और प्रोसीजरल में अगर किसी कंज्यूमर को, अगर एक कंट्री की दूसरी कंट्री से अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं, अगर फॉर सपोज कोई मैन्युफैक्चरर यूएसए से कोई प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है पाकिस्तान, ठीक है, तो उसकी राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगी, और सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल अगर कोई प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट ने डिफेक्ट है, तो किसी प्रोडक्ट ने कोई नुकसान दिया है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से वो अपनी रेमेडी हासिल कर सकेगा। ठीक है, मैंने लिखा भी है कि अगर आप कोई चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, किस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आजकल ये न्यूज़पेपर में भी आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी UNCTRAL, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये रेगुलेट करती है बेसिकली ट्रेड को पूरी दुनिया में, जितने भी कंट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज से जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं। और दूसरी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड डेवलपमेंट। अब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को किस तरह से डेवलप करना है उसके लिए ये गाइडलाइन देती है, और इंटरनेशनल ट्रेड पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, इन सारी चीजों को भी ये देखते हैं। अच्छा, उसके बाद है UNIDROIT, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। अब ये जो है वो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ। इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ की अगर मैं बात करूं तो एक इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरी कंट्री का स्टेट का स्टेट से बात नहीं करें, इंडिविजुअल की बात करें, ये इसको रेगुलेट करता है। फिर आता है ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका भी बहुत अच्छा किरदार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। अब ये पाकिस्तान में भी आप देखिए कि कॉमर्स के चैम्बर्स होते हैं, एक होता है फेडरल लेवल पे और दूसरे होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। ये चैम्बर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होते हैं। इनके पास जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इनके पास डिस्प्यूट बोर्ड है, इनके पास हेयरिंग सेंटर है। ठीक है, अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कोई नुकसान हुआ है, कोई डिफेक्ट हुआ है, तो वो ऑनलाइन जाकर भी कंप्लेन कर सकता है इनकी वेबसाइट पे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स 1980 में आ गया। ये भी एक जो है वो अपने गुड्स आप सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, कुछ और लॉज देख लेते हैं इंटरनेशनल लॉ पे। अच्छा, एक और है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 1961 में इंटरनेशनल लेवल पे बना था, पाकिस्तान ने इसकी मेंबरशिप हासिल की थी 2016 में। यह बेसिकली पॉलिसीज बताता है कि एक कंट्री किस तरह से कैसी पॉलिसीज बना सकता है एक कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी देखते क्योंकि टाइम जो है वो जा रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर इन्फोर्समेंट नेटवर्क, यह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसमें तकरीबन आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है इसमें 70 कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 6 बिलियन मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सारे मिलकर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाते हैं और उन कानून को किस तरह से इन्फोर्स करवाना है वो भी देखते हैं। दूसरा, ग्लोबल प्राइवेसी इन्फोर्समेंट नेटवर्क। अब अगर देखा जाए कि आपको पता है कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वेब यूटिलिटी, इंटरनेट, आप इतनी सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो वहां पे भी कंज्यूमर्स यूज करते हैं। आप देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं ना, उनके
लॉज और उन लॉज की इन्फोर्समेंट किस तरह से करवानी है, ये ग्लोबल प्राइवेसी इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो कि 2007 में बना था ये देखता है। अब इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हर जो दुनिया के 4-5 हिस्से अगर आप देख लें तो हर हिस्से ने अलग बनाए, जिस तरह की देखें आप यूरोपियन कंट्रीज ने अलग बनाया है, आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी कि अमेरिका का अलग है, ठीक है, फिर एशिया साउथ एशिया का अलग है। तो आप देखें यूरोप में किस तरह से है, क्या नेटवर्क, क्या मैकेनिज्म है, तो यूरोप में है यूरोपियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोऑपरेशन नेटवर्क, ये नेटवर्क है, इसकी 30 ऑफिसेज हैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। ये ऑफिसेज एक आम कंज्यूमर को फ्री एडवाइस देती है और उनके कौन कौन से राइट्स हैं, किस तरह से वो इन्फोर्स करवा सकती है, ये एक कंज्यूमर को जो है वो फैसिलिटेट करती है। अब आप अमेरिका और आप जो स्पेन और पोर्चुगल के लिए आप देखें कि वो एक इब्रो अमेरिकन फोरम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, ये बेसिकली एनालिस करती है कि कौन सी पॉलिसीज बननी चाहिए, किस पॉलिसी से कंज्यूमर राइट्स के राइट्स जो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, अब साउथ एशिया की बात की जाए तो साउथ एशिया की जो है वो आसियान है, हाँ आसियान, ये आसियान जिसको जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी जिसका नाम जो है वो आसियान रीजनल कोऑपरेशन कमेटी ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये बेसिकली प्रमोट करती है साउथ एशियन कंज्यूमर राइट्स को, इनके पास एडीआर मैकेनिज्म है और इन्होंने बेसिकली रोड मैप भी दिया है कि 2025 में किस तरह से ये लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम होती है, तो इनके लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं ग्लोबल एंटी फ्रॉड नेटवर्क। ये बेसिकली एक इनके मुताबिक आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो उनके मुताबिक हर साल ये 50 मिलियन तक जो है वो मनी, ये डॉलर्स की बात की जा रही है, मैंने लिखा नहीं है डॉलर्स में, लेकिन डॉलर्स की बात है, 50 मिलियन तक ये पर ईयर जो है वो जो फ्रॉड करते हैं उनसे रिकवर करते हैं। ये बैंकिंग से रिलेटेड, ये ग्लोबल फ्रॉड से रिलेटेड ये काम करते हैं। अब फाइनेंस की अगर बात की जाए, बैंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंस में अगर कोई बंदा अपने एक कंज्यूमर फाइनेंस से रिलेटेड उसकी कुछ राइट्स है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2013 में न्यूली बनी है, इसमें तकरीबन 42,000 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसको सुपरवाइज कर रही है, ये देख रही है कि किस तरह से बैंकिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कंज्यूमर के राइट किस तरह से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। एक कंज्यूमर अगर अपने पैसे जो है वो अगर आप वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेज रहा है तो उसके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है वो सब देखता है, ठीक है। अब एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि जो अभी रिसेंटली जिस जो ये COP27 जो कर रही है ये कंज्यूमर इंटरनेशनल कर रही है, ठीक है, इसके कोऑपरेशन से हो रहा है, ये 1960 में बनी थी, इसमें तकरीबन 200 मेंबर्स है और ये कहा जाता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स है, ये तकरीबन 100 कंट्रीज के मेंबर इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका जो प्योर पर्पज है, इसका पर्पज ये है कि एक कंज्यूमर को एक सेफ एंड फेयर फ्यूचर प्रोवाइड किया जाए। अब इतनी सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बाद मैं आपको बताऊं कि कंज्यूमर वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है 15 मार्च को, जो कि यूएन ने 1985 में अनाउंस किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के लिए ये वर्ल्ड डे भी मनाया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज कौन से हैं, तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो इस्लामाबाद में बना था, इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक 1995 में बना था, फिर पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट अथॉरिटी 1965, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के पास एक स्पेसिफिक एक स्पेशल अथॉरिटी है जो कि स्टैंडर्ड बताती है कि कौन सा स्टैंडर्ड गुड्स का होगा, सर्विसेज का हो क्या होगा, और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज को उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, ये स्टैंडर्ड नंबर जो है वो आपको देते हैं। फिर केपीकेमी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1970 बना था, फिर बलोचिस्तान का बना था 2003 में बलोचिस्तान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद पंजाब का बना था 2005 में, उसके बाद पंजाब का आप देखिए 2005 में बना है, सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में बना है, फिर सिंध ने रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2017 भी बनाया है। पाकिस्तान अब कंज्यूमर के मैंने आपको बताया था कि यूएन जनरल गाइडलाइन में एक राइट ये भी है कि आपने कंज्यूमर को
अपना प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट देना है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान ने पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 में बनाया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो भी कंज्यूमर के राइट्स के लिए कुछ सेक्शन इसके लिए रेलिवेंट है। फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पाकिस्तान पीनल कोड, इसका पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है 272 से लेकर 274 आई थिंक है। इसमें बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड आपको बताता है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी फूड जो है वो अडल्टरेशन, अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसमें मिलावट करके अगर कोई चीज जो है वो बेच रहा है तो उसको भी सजा होगी। उसके लिए लिखा है कि दो मंथ से लेकर एक साल तक उसको सजा होगी और उसके लिए उसको जो है वो फाइन भी लगेगा। इसके अलावा एक और पाकिस्तान ने लॉ बनाया, पाकिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1826, जो कंज्यूमर्स होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट की ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, सिंध गवर्नमेंट ने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स बनाया है। इसमें इन्होंने बताया कि कंज्यूमर काउंसिल किस तरह से काम करेंगी, कंज्यूमर काउंसिल जो अथॉरिटीज होंगी उनमें उनके कंज्यूमर काउंसिल के मेम्बर्स कितने होंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, किस तरह से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, थोड़ा मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ड्यूटीज क्या होंगी। एक मैन्युफैक्चरर है, अपने गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके कौन सी उसकी ड्यूटीज है जो उसने पूरी करनी है। तो अगर आप सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मैं अगर आपको हवाला दूँ 2014 में जो आया है, उसके आर्टिकल 22, 23 और 24 में लिखा है कि मैन्युफैक्चरर जो है उसकी कौन कौन सी जो है ड्यूटीज है। तो सबसे पहले इसकी ड्यूटी यह है कि अगर वो कोई भी उसका कोई बिजनेस है तो जो गुड्स जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है अपने दुकान पे, अपने बिजनेस की वो जो जगह है वहाँ पे उसने अपनी प्राइस की अपनी एग्जीबिशन करनी है, अपनी प्राइस सारे वो कैटलॉग उसने रखना है, ठीक है। अब अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसने रिसिप्ट भी देनी है, ठीक है, और उस रिसिप्ट पे ये भी लिखा हो कि उसकी उसने कब ये सेल की है, वो कौन सा गुड्स जो है वो सेल कर रहा है, कौन सा गुड सेल कर रहा है, उस गुड का बेच नंबर क्या है, उस गुड की ओरिजिनल प्राइस क्या है, उस गुड की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है गुड्स की, ठीक है। उसके अलावा उसको यह भी बताना है कि जो गुड्स वो बेच रहा है उस गुड्स पे भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। उस पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने ये गुड जो प्रोडक्ट आपने बनाया सॉरी गुड नहीं प्रोडक्ट आपने बनाया है उसमें कौन कौन सी चीजें आपने आपने कौन कौन सी चीजें आपने इसमें डाली है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, अगर आपको आप देख लें थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्पेसिफिक फूड का कोई प्रोडक्ट है इसमें पूरी अपने इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं, न्यूट्रिशंस कौन कौन सी है इसमें, फैक्ट्स आप देख लें, ये प्रॉपर लगाना जरूरी है, ठीक है। और जो कंज्यूमर है सॉरी जो मैन्युफैक्चरर है उसको फॉल्स डिसेप्टिव या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। इससे क्या मुराद, इसका मतलब यह है कि जो जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जरूरी है कि वो ही इंफॉर्मेशन बताए जो वो बेचने जा रहा है, वो ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता जिसके लिए वो ना बेचे। फॉर सपोज कुछ लोग इस तरह से करते अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हम फला फला चीज इतने इतने परसेंट इतना इतना परसेंट ऑफ पे ये बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके पास जाएं तो वो इतना परसेंट पे वो नहीं बेच रहे होते, तो ये भी जो मैन्युफैक्चरर इसको नहीं करना, ठीक है। इस पे एक और एक टर्म यूज होता है स्विच एंड बेट एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट एक प्रोडक्ट की दी और अगर आप गए लेने तो आपको कोई और प्रोडक्ट दिया गया, तो ये भी आपको मना किया जाता है एज अ मैन्युफैक्चरर, आपने नहीं करना। अच्छा, आप देखें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में अगर किसी बंदे को किसी कंज्यूमर ने कोई चीज खरीदी, मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपसे किया था कि अगर किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट सर्विस खरीदी थी उसको कोई नुकसान हुआ तो क्या कर सकता है, ठीक है। फॉर सपोज मैं अपना एग्जांपल बता दूं कि मैंने एक बार जूस लिया था, तो वो जूस पीने के बाद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तब के जमाने में मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने इसको देखना है, ठीक है। अगर कोई भी कंज्यूमर उसने कोई प्रोडक्ट सर्विस खरीदी जिसकी वजह से उसे कोई डिफेक्ट आया, ठीक है, वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है कानून के मुताबिक,
आप कंप्लेंट कंज्यूमर खुद भी फाइल कर सकता है, अथॉरिटी भी फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। एक और चीज मैं जो भूल गई आपको बताना कि इस लेक्चर के बाद जो मेंबर मुझे सुन रहे हैं आपको मैं ये कहूंगी कि आप जब लेक्चर मेरा पूरा हो जाए तो आप मुझे अपने क्वेश्चन आंसर अपने पास लिख लीजिए, लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब कंज्यूमर खुद कंज्यूमर फाइल कर, अथॉरिटी क्या चीज है? अब अथॉरिटी इसमें आता है अगर आप सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप रीड करें तो उसमें अथॉरिटी का लिखा है कि डीजी डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है उसमें। और अगर कोई और अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये अथॉरिटी जो है वो भी इसको आप जो अथॉरिटी माने तो वो भी अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो भी आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट खुद भी किसी कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर सही से प्रोवाइड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट खुद भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। ये फाइल जो कंप्लेंट फाइल हो रही है कंज्यूमर कोर्ट की बात की जा रही है। आप किस तरह से आप फाइल करेंगे? अब एक होता है कंज्यूमर कोर्ट, दूसरी चीज होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तीसरी चीज होती है कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब ये तीनों में इन तीनों के फंक्शंस क्या है, ये किस तरह से इनका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, थोड़ा मैं आगे जाकर बताऊंगी। थोड़ा सा प्रोसेस देख लें। अगर आपको फॉर सपोज मैं एज अ कंज्यूमर मुझे कोई नुकसान हुआ है, मैंने जूस पिया मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, अब मैं किस तरह से कंप्लेंट फाइल करूंगी? सबसे पहले मैं लीगल नोटिस दूंगी, ठीक है। लीगल नोटिस के लिए लीगल नोटिस जो मैं दे रही हूँ वो मैं जो मैन्युफैक्चरर जिसने वो प्रोडक्ट मुझे बेची, ठीक है, मैं उसको जो है वो अपना अपनी लीगल नोटिस भेज रही हूँ कि जी आपकी फला फला प्रोडक्ट या आपकी फला फला सर्विस जो मैंने ली थी उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है तो आप मुझे उसकी डैमेजेस के लिए मुझे इतने इतने पैसे आप पे करें, या मैंने कोई रेफ्रिजरेटर ली या कोई टीवी ली है जो खराब हो गई है जो काम नहीं कर रही, आगे जाकर मैं आपको केस लॉ भी बताऊंगी जिसमें एग्जांपल भी मैंने लिखे, वो खराब हो गई अब मुझे इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए मैं लीगल नोटिस दूंगी उस मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर को। तो 15 दिन तक मैं वेट करूंगी, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरर को उस लीगल नोटिस का मुझे जवाब देना है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद 30 दिन के अंदर, ये मैं बता रही हूँ पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि आपने 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। अब कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट? जी सॉरी कोई कंफ्यूजन है? चलो ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आपने जो लीगल नोटिस सेंड किया उसकी आपके पास रिसीव कॉपी हो कि जी एक्नॉलेज आपने लीगल नोटिस सेंड किया और रिसीव भी हुआ। जो कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है उसकी आईडी होनी, आईडी की फोटोकॉपी होना जरूरी है। जो रिसिप्ट आपने कोई चीज जो चीज आपने खरीदी थी, जो आपने सर्विस आपने ली थी उसकी रिसिप्ट होना जरूरी है। आपने एक एफिडेविट भी बनाना है, ठीक है, उसमें आपने वो ग्राउंड्स बताने हैं कि किस ग्राउंड्स पे आपने आपको क्या नुकसान हुआ और आपको कौन कौन से किस ग्राउंड्स पे आप जो है वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट जो आपकी कंप्लेंट को सपोर्ट करते हैं वो भी आप उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब जब अपने आपने कंप्लेंट फाइल कर दी तो जो कंज्यूमर कोर्ट, फॉर सपोज आप कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करें तो कंज्यूमर कोर्ट के पास कौन सी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके पास कौन से पावर्स हैं? तो जो कंज्यूमर कोर्ट होती है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ये होती है कि आपको, अब आप कौन सी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे? वो कंज्यूमर कोर्ट जहां पे डिफेंडेंट रहता है, वो कंज्यूमर कोर्ट जहां पे बिजनेस जो है वो कैरी आउट किया जा रहा है, वो कंज्यूमर कोर्ट जहां पे वो जो डिफेक्ट या जो नुकसान वो कॉज ऑफ एक्शन जहां पे अराइज हुआ हो, ठीक है। अब आपने कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी, अब कंज्यूमर कोर्ट के कोई पास ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? कंज्यूमर कोर्ट एग्जैक्टली जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास एक पावर होता है या सिविल जज के पास एक पावर्स होते हैं, इसी तरह से अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट जो है वो जज अपने समन जो है वो इश्यू करेगा मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर को, उससे कहेगा कि आप मुझे 15 दिन के अंदर आपने रिटन स्टेटमेंट जमा करवानी है कि आप अपने रीजन बताएं, क्या आपने ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है इसके रीजन बताएं कि आपने क्या हुआ है, आपने क्यों आपको किसी को नुकसान दिया है, या अपना जवाब दें
कि असल बात है क्या, ठीक है। अब आपने 15 दिन के अंदर अगर किसी ने मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर ने अपना जो रिटन स्टेटमेंट है वो जमा नहीं करवाया, तो अदालत एक्स पार्टे अपना डिसीजन दे देती है। एक्स पार्टे का मतलब होता है एक ही पार्टी को सुनकर अपना फैसला दे देती है। अगर अगली पार्टी रिटन स्टेटमेंट जमा करवाती है और आती है तो प्रॉपर एक प्रोसीडिंग चलती है, अदालत के पास ये ज्यूरिसडिक्शन होती है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन की ऑर्डर भी दे सकती है और वो इंक्वायरी का जो हुक्म भी दे सकती है। अब इंक्वायरी किस तरह से होती है, इंक्वायरी इस तरह से होती है कि अगर कंज्यूमर क्लेम कर रहा है कि मुझे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर ने कोई की सर्विस या प्रोडक्ट की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवाए। अब इंक्वायरी इस तरह से होती है कि कंज्यूमर लॉ में आप देखें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ने कुछ स्पेसिफिक लेबोरेटरीज को रजिस्टर किया हुआ है स्पेसिफिक कि वो प्रोडक्ट, अब दो तीन बंदे अदालत इन्वेस्टिगेशन के लिए तीन बंदों को ऑर्डर करती है कि वो जाके उस जगह पे उस प्रोडक्ट के दो सैंपल लेते हैं, ठीक है। दो सैंपल लेकर वो तीन बंदों से साइन भी करवा दिया जाता है कि वो ये तीन दो सैंपल हमने लिए हैं ताकि उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। वो जो सैंपल है वो लेबोरेटरीज में जाती है, लेबोरेटरीज में उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के बाद वो सैंपल जो है वो अदालत में जमा किए जाते हैं। अब वो इंक्वायरी जब वो सैंपल आ जाते हैं तो उसके नज़र में अदालत जो है वो अपना फैसला देती है। और एक और चीज़, अदालत जो होती है कंज्यूमर कोर्ट को, कोर्ट जो है विद इन 6 मंथ अपना फैसला सुना देती है। 6 मंथ विद इन का मतलब कि जब कंप्लेंट फाइल हुई उससे लेकर 6 मंथ के अंदर उसने फैसला देना है, ठीक है, यह बात भी है। उसके अलावा उसमें जब मैंने बात की कि प्रोसीडिंग जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज के प्रोसीडिंग के की सेम तहत ही होती है, तो इसमें आप देखें कि अगर कोई भी बंदा पीपीसी का आर्टिकल, इसमें आप देखें 193 जो है वो ये भी एप्लीकेबल है कि जिसमें कहते हैं कि आपने अगर फॉल्स एविडेंस आपने फॉर एग्जाम्पल जमा करवाए कंज्यूमर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उसमें के साथ साथ ही सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, ठीक है। अब ये आप देखें कि पीपीसी में ये भी लिखा है कि आर्टिकल 22(8) भी इससे एप्लीकेबल है इस प्रोसीडिंग के दौरान, कि अगर किसी बंदे ने, प्रोसीडिंग चल रही है, किसी बंदे ने इंटरप्ट की या उस ऑफिसर को या जज की को इंसल्ट किया तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है जो कि 10,000 तक जो है वो हो सकता है। इसमें फौज डॉक्यूमेंट, अगर कोई बंदा फौज डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा है ये सीआरपीसी का आपका सेक्शन 195 जिसमें लिखा है कि आपको 1 साल तक सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोसीडिंग के दौरान ये भी एप्लीकेबल है। अब जो ऑर्डर आएगा, ये जो जजमेंट आएगी 6 महीने के अंदर अंदर आएगी, अब जो जजमेंट आ रही है मैंने आपको बताया था कि रेमेडीज क्या होंगी, रेमेडीज जज जो देंगे वो एक ऑर्डर भी रेमेडी के लिए दे सकता है, दो भी दे सकता है, 4 सपोज कौन सी रेमेडीज होंगी। जज ये ऑर्डर दे सकता है कि जो डिफेक्ट आपने जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है उस डिफेक्ट को रिमूव किया जाए, जो कंज्यूमर ने जो कंसिडरेशन पे की है उसको रिफंड किया जाए, कंज्यूमर को कंपनसेट किया जाए, कंज्यूमर को आप कंज्यूमर को जो नुकसान हुआ है उसको, उसके डैमेजेस को पे किया जाए, या ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसके स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो अदालत ये भी हुक्म दे सकती है उस प्रोडक्ट को ही खत्म किया जाए, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से अगर कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान हुआ है तो अदालत 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, उसके साथ साथ 1 लाख तक जो है फाइन भी लगा सकती है, ठीक है, जो पेनल्टीज में आता है। अब अगर अदालत ने कोई हुक्म दिया, कोई ऑर्डर दिया और उसको नहीं माना जा रहा, ठीक है, तो अदालत फॉर सपोज नहीं माना जा रहा तो अदालत उस पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने पे जो है वो फिर से एक और ऑर्डर जो है वो जारी कर सकती है कि आपको जो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा तो उसको 1 साल से लेकर 3 साल तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, रिगोरियस नहीं होती, और उसको फाइन भी लग सकता है, अलग दोनों साथ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, 50,000 से लेकर 2 लाख तक उसको सजा भी हो सकता, फाइन भी हो सकता है। और अगर जिसके खिलाफ वो ऑर्डर आया है अगर उससे लगता है कि मैं उस ऑर्डर में कुछ लॉ एरर्स हैं, कुछ फैक्ट्स में एरर आ गए हैं, तो वो अपनी अपील फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज और वो अपने रेलिवेंट हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल करेगा। अच्छा, कुछ केस लॉज देख लेते हैं। अब
केस लॉ में अगर हम बात करें कि ये केस लॉ है MLD 2011 में ये केस हुआ था, ये केस लॉ की साइटेशन MLD 2011-293। इस केस में क्या हुआ था, एक स्टूडेंट था वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैंने पूरा केस लॉ यहाँ पे नहीं लिखा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट था अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसने एग्जाम दिए थे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उसने एग्जाम दिए थे। एग्जाम से पहले उसने एक असाइनमेंट जमा किया था, उस असाइनमेंट के कुछ नंबर थे और उस असाइनमेंट के नंबर जो हैं वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स थे, कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेशन इनका कोई स्टाफ था जो कि टीचर तक उनके असाइनमेंट को उनको कैरी फॉरवर्ड करना था। जो असाइनमेंट टीचर ने शायद नहीं लिया, टीचर की कोई डिफॉल्ट था या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, बहरहाल वो एग्जाम जो असाइनमेंट था वो सबमिट नहीं हुआ, तो उसे इस बच्चे के नंबर पूरे नहीं आए तो बच्चा फेल हो गया। उसके बाद इस बच्चे ने जो है वो केस फाइल किया था अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि आपने मुझे फेल किया है, हालांकि मैंने असाइनमेंट सबमिट भी किया था, उसकी मद में मैं फेल हो गया हूँ, तो आप मुझे डैमेजेस पे करें। तो ये जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अदालत ने ये हुक्म दिया कि 20,000 आप उसको डैमेज, आपने उसका नुकसान किया है, 20,000 वो दें और 10,000 प्लस के उसने जो कंज्यूमर ने या स्टूडेंट जो है वो उसने जो मेंटली जो स्ट्रेस उसने जो स्ट्रेस से जो सफर किया है स्टूडेंट ने, उसके लिए आप उसको 10,000 दें, 20,000 फेलियर डैमेजेस दें। तो ये फैसला जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपील दायर करती है, ये जाती है हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट में। जब ये केस हाईकोर्ट में जाता है तो वहाँ पे अदालत ये देखती है कि ये जो सर्विसेज जो बच्चे को मिली हैं ये सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ही नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप गुड्स प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं वो जरूरी है कि उसके खिलाफ आपके पास कंसिडरेशन हो। और ये गवर्नमेंट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जज ने ये कहा कि जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं जो कंसिडरेशन है ये बहुत कम है और ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसको जो है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये आपने फीस जो पे की थी वो एक आपने एक ही फीस जो मद में आपने पे की थी, तो इसको हम एज अ कंसिडरेशन जो है वो आप नहीं कह सकते। तो ये एज अ कंसिडरेशन अगर नहीं है क्यों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी तो आपको डैमेजेस भी पे, जो ये कंज्यूमर ही नहीं होता, कोई कंज्यूमर नहीं है तो आपको डैमेजेस पे करने की भी जरूरत नहीं। दूसरा केस लॉ अगर हम देख लें, सैयद मुजाहिद वर्सेस शाहिद इब्राहिम कोर्ट का ये केस है, उसमें ये सैयद मुजाहिद जो है वो एक वो टाइल जो है वो सेल कर रहा होता है, शाहिद इब्राहिम ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उनके साथ कि आप मुझे ग्रे कलर की टाइल जो है वो आप मुझे बेचें, उन्होंने ग्रे की बजाय वाइट टाइल जो है, मैंने पूरा केस नहीं लिखा इस पे, तो आपको मुझे व्हाइट कलर की दें, उन्होंने व्हाइट की जगह ग्रे दे दिया। अब ग्रे और व्हाइट टाइल में की प्राइस था, ठीक है, अब ये जो खरीदा सैयद मुजाहिद ने वो खरीदा था, उसकी जो असल प्राइस थी वो थी 2,09,000 की तकरीबन उसने जो है वो खरीदी और जो खरीदी थी व्हाइट कलर की, जो ग्रे कलर की उसने खरीदनी थी, वाइट कलर की गलती से मिल गई। अब इन दोनों टाइल्स में ये जो प्राइस का डिफरेंस था वो तकरीबन 3,000 का था, ये 30,000 का डिफरेंस था। अब वो जो सैयद मुजाहिद था उसने केस फाइल किया कि जी मुझे 30,000 का नुकसान हुआ है, मैंने एक टाइल का ऑर्डर दिया था, आपने दूसरी टाइल दे दी है, तो इसकी मुझे डैमेजेस पे करें। तो अदालत ने ये हुक्म दिया था शाहिद इब्राहिम को कि जो डिफरेंसेस 30,000 का आ रहा है वो आप सैयद मुजाहिद को पे करें। दूसरा केस अगर अब्दुल अजीज वर्सेस टॉय शॉप का देख लें, अब्दुल अजीज जाते हैं टॉय शॉप पे, एक जो है वो टॉय खरीदते हैं जीप का, वो जो जीप वो खरीदते हैं, घर आते हैं तो वो काम नहीं करती, वो केस फाइल करता है टॉय शॉप के खिलाफ, तो अदालत उस पर हुक्म देती है कि जो आपने जो ये जो जो आपने जीप जो आपने रखी है या तो इसको रिप्लेस वो आप उसको अब्दुल अजीज को रिप्लेस करके दें या तो आप रिफंड करके दें। तीसरी अगर केस लॉ की मैं अगर बात करूं तो फहीम अहमद वर्सेस मैनेजर ऑफ TCS, एक स्टूडेंट होता है जिसको जिसकी स्कॉलरशिप लगती है तकरीबन 16,000 तक, वो स्कॉलरशिप को यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट का नाम होता है फहीम अहमद, वो यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप का चेक जो है फहीम अहमद को बराए थ्रो मैनेजर TCS करती है, ठीक है, वो स्कॉलरशिप का जो चेक होता है फहीम अहमद तक नहीं पहुँचता, तो फहीम अहमद केस फाइल करता है TCS के मैनेजर के खिलाफ, तो अदालत ये हुक्म देती है कि जो TCS है वो 16,000
पे करे उसको फहीम अहमद को, और जो है वो टीसीएस मैनेजर जो है 4,000, टीसीएस जो है वो 4,000 ज्यादा एज अ डैमेजेस पे करे फहीम को, ये लिया में केस हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर देख लें, थोड़ा सा मैं देखूँ, कोशिश करूंगी जल्दी कर दूँ। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पे भी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अपनी रिपोर्ट देती है प्रोविंशियल लेवल पे। अब इनका बोर्ड होता है, अब ये बोर्ड प्रोविंशियल लेवल पे तकरीबन 17 मेंबर्स होते हैं और 8 या 9 मेंबर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सिंध का मैं अगर भी बात करूँ कि ऑलमोस्ट इतने मेंबर होते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट है उनके लॉ मेकिंग के लिए, उनकी पॉलिसीज के लिए, उनकी इंक्वायरीज के लिए कि किस तरह से कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो है वो रिकमेंड करती है, उनको एडवाइजेस देती है गवर्नमेंट को कि आप पॉलिसीज बनाए, कानून बनाए। ठीक है, अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर की बात की जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसके पास भी ये पावर है कि ये फाइन इम्पोज कर सकता है अगर ये देखे अगर कोई मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से किसी सर्विस कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है, तो ये फाइन इम्पोज कर सकता है, ऑलमोस्ट 50,000 तक लगाता है। ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है पंजाब में अभी भी। तो अगर आगे देखा, अगर आगे हम देखें कंज्यूमर कोर्ट की, तो कंज्यूमर कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसके पास ये ज्यूरिसडिक्शन होती है कि केस को देखे, केस को वो सुने, 6 मंथ के अंदर केस को जो है वो उसकी हेयरिंग करे। और अच्छी बात यह है कंज्यूमर कोर्ट की, अगर मैं आपको बताऊं कि आपने केस की जो केस आप फाइल कर रहे हैं उसके लिए आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, कंज्यूमर खुद ही अपना केस फाइल कर सकता है, एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, और 6 मंथ के अंदर अंदर फैसला भी आ जाता है। ठीक है, और अगर हम अब इस्लाम बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्लाम में कंज्यूमर कोर्ट की क्या बात है। तो इस्लाम में कुरान की हदीस है, मैं आपको बताऊं कुरान की हदीस है, बनी इसराइल सूरह सूरह बनी इसराइल में लिखा है अल्लाह ताला ने, आयत जो है वो 35 में लिखे अल्लाह ताला लिखते हैं कि नाप तोल में आप जो है नाप तोल का आप जो है वो सही से नाप तोल करें, और अगर आप नाप तोल सही से नहीं करते तो उससे अल्लाह ताला आपसे नाराज होते हैं, फरिश्ते आप पे जो है वो अल्लाह ताला आपसे नाराज होता है। तो आपने, हाँ आयत ये है, मैं आपको बताती हूँ आयत ये है कि नाप तोल को पूरा पूरा तोलो। ठीक है, और हदीस की अगर मैं बात करूँ कि अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई भी बंदा कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सर्विसेज के एप बताए बगैर कोई चीज अगर अगर बेचता है तो अल्लाह ताला उस पर नाराज होता है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। ठीक है, और एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इस्लाम में भी कंज्यूमर के राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, आप देखें कि अब थोड़ा सा अगर इसको समरी अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा उसका मैकेनिज्म है, पाकिस्तान में भी अब अच्छा मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है, अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे और कंज्यूमर को अपने राइट्स भी मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक आम आदमी जिनको लगता है शायद अदालत जाकर मुझे तकलीफ होगी तो वो नहीं जाते, लेकिन मैं सबको जो सुनने वाले मेरे सबको मैं एडवाइस करूंगी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट सर्विस की वजह से अगर आप देखते हैं कि वो इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो सही से वो जो गुड्स या सर्विस जो सेल कर रहा है सही से उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लगा रहा, सही से वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी पीरियड नहीं बता रहा, तो जरूर उसकी कंप्लेन करें, और कंप्लेन का जो मैकेनिज्म है वो इतना मुश्किल नहीं, आसान है, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर करें। ठीक है, तो एट दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो एम आई ऑडिबल? हेलो
लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई फीडबैक देना हो, कोई चीज आप पूछ सकते हैं, पूछ लें। थैंक यू वेरी मच मैम, इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जिसमें कि तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया कि कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स नहीं है। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर आप शॉर्टली सिर्फ ब्रीफली एक दोबारा ओवरव्यू दे दें कि एक कंज्यूमर को अगर कोई शिकायत होती है तो उसने अगर कंप्लेंट करनी है पहले उसने डीसी के पास जाना है, उसके बाद उसने कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, उसके बाद उसने कहाँ जाना है, और अगर किसी वेबसाइट के ऊपर उसने जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो वो भी काइंडली एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ब्रीफली, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं बताती हूँ। अच्छा जी, अगर आसान जबान में बात करूँ कि आम एक कंज्यूमर है जिसने कोई चीज़ खरीदी, उसको कोई नुकसान होता है, उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अगर एज अ कंज्यूमर है, आपको अगर कोई लॉस हुआ है, तो आसान यह है कि आप किसी एडवोकेट से बात करें, आप अदालत जाएं। आसान अगर मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी, सबसे पहले तो आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप एक एडवोकेट से बात करके आप एक लीगल नोटिस बनवा के उसको सेंड कर दें। ठीक है, ज़्यादातर ये होता है कि जो आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो आपको जवाब देते हैं, जो आपका नुकसान हुआ होता है वो आपको वो कंपनसेशन पे कर देते हैं। अगर फॉर सपोज एक आम आदमी को वो कंपनसेशन नहीं दे रहा, तो आप जाएं एक एडवोकेट से बात करके आप केस फाइल कर दें। केस फाइल की अच्छी बात यह है कि केस फाइल की फीस भी नहीं है, केस फाइल जो है वो आप कर रहे हैं 6 महीने के अंदर उसका फैसला भी आ जाता है। तो आपका ये होता है कि जब आपको केस आपको इजीली अवेलेबल है, आसानली आपको, अगर मैं इजीली अगर बात करूं कि वो जो आपको डैमेजेस, आपको जो नुकसान हुआ है वो सब भी आपको डैमेजेस भी मिलता है। और ये एक और चीज में जो अगर भूल गई, जो आप केस फाइल किया, अगर आपने प्री ट्रायल स्टेज में आपने कोई ऑफर दी थी और वो मैन्युफैक्चरर नहीं, आपने जो केस फाइल किया, एक तो फीस नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा वकील कर रहे हैं, लिटिगेशन आपने फीस पे की है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर पे करेगा। तो इससे अच्छी बात यह है कि जो आपको नुकसान हुआ है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। और आप देखें आगे जाकर कंज्यूमर आप क्या हल कर रहे हैं, तो ये दूसरे कंज्यूमर की राइट्स की भी प्रोटेक्शन हो रही है। आपने अगर केस फाइल किया है तो अगला जो मैन्युफैक्चरर जब वो कोर्ट में जाएगा, उसने कंपनसेशन या डैमेजेस पे किए, तो अगली बार वो मोहतात रहेगा, किसी और कंज्यूमर को जो है वो इस तरह से नहीं करेगा। तो ये बस मेरी एक लास्ट में एडवाइस होगी कि जरूर आप चुप करके ना बैठे, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपकी पाकिस्तान में एक एनजीओ भी है जो मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, वो रही है, वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल करें इनके यहाँ। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, हाँ, कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये अथॉरिटी है पाकिस्तान में जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप ऑनलाइन जाकर आप उनको कंप्लेन करें, अगर आप चाहते हैं कि हम अदालत ना जाएं, तो आप ऑनलाइन जाकर आप कंप्लेन करें, आप देख लें। और उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है, उनके केसेस किस तरह से डिसॉल्व हुए हैं, तो किस तरह से कंपनसेशन पे की गई है। तो बस लास्ट में यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप जो है वो कंज्यूमर है, आपको कोई नुकसान हुआ है, तो जरूर कंप्लेन फाइल करें। इससे ये होगा कि दूसरे कंज्यूमर राइट जो है वो आपके उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और गवर्नमेंट में आपको इतनी अच्छी मैकेनिज्म दी है, आपके पास कानून मौजूद है, तो आप उसका फायदा क्यों ना उठाएं। ठीक है, am I audible? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, एक सवाल पूछना था। मैम, जैसे हम कभी स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं या जो रेस्टोरेंट में फूड जाके खाते हैं, उससे भी हमें फूड पॉइजन वगैरह हो जाते हैं, तो क्या वो भी हम कंप्लेन इसी कंज्यूमर
के तहत कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी आपके पास लॉज मौजूद हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कंज्यूमर लॉ की बहुत आसान है, इतने कम टाइम में आप देख लें कि 6 महीने के अंदर आपका फैसला आ जाता है, आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, आप जाएं कंप्लेन करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आप खुद पार्टिसिपेट करें, आप खुद आप जाकर अदालत में करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तकलीफ ना उठाऊं, ऑनलाइन कंप्लेन करूं, तो आप कर लें। और एक और भी चीज़ है कि बहुत सारे पाकिस्तान में अब जो है वो मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारी कंपनीज ने ये भी किया है कि अगर आप आपको लगता है आपकी सर्विसेज या आपने कुछ उनके गुड्स आपने यूज किए, आपने देखा आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने देखा कि उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनकी भी आप कंप्लेन करें, आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकती हूँ। मैं ऐसा करूंगी, मैं ये पाकिस्तान लॉयर्स की वेबसाइट को उनकी लिंक सेंड कर दूंगी, वो आपसे शेयर कर देंगे, ये पीपीटी भी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि जो मेरे सुनने वाले हैं सबको आसानी हो जाए। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू। तो मतलब मैं मीटिंग को एंड करूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हेलो, ओके ओके ठीक है, मैं